ये तो साथियों आज की वीडियो जो है ये टाइमर पर यानी कि टाइम डिले सर्किट के ऊपर है। ये छोटा सा एक जो टाइमर है ये मेरे हाथ में है। टाइमर दो तरीके से तैयार किए जाते हैं। एक टाइमर के अंदर 555 आईसी इस्तेमाल किया जाता है और एक टाइमर जो है स्टेबलाइजर के लिए इसमें दो ट्रांजिस्टर जो हैं ये CR1823 है ये आप लगा सकते हैं। ये कम कीमत है और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो बाज़ार से बआसानी मिल सकते हैं। 555 जो है वो भी इतना कॉस्टली नहीं है। उसके अंदर भी अगर आप टाइमर को तैयार करना चाहें तो बआसानी तैयार कर सकते हैं। ये मैं टाइमर पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ कि टाइमर को हमने कैसे तैयार करना है, वो आप वीडियो जो है मैं दे दूँगा, आप वहाँ से इसका लिंक जो है वो ले सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखें कि ये जो टाइमर है इसको हमने लगाना कैसे है और इसके अंदर कंपोनेंट्स कौन से लगे हुए हैं। आप देखें यहाँ पर एक रिले लगी हुई है, एक रेक्टिफायर यानी कि डायोड लगा हुआ है, दो ट्रांजिस्टर हैं C828 मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, एक 27K की रेजिस्टेंस है इसके अंदर और एक 470K की मज़ाहमत है और एक यहाँ पर आपको कैपेसिटर जो है ये 100 माइक्रोफेरड का है जो कि 25 वोल्ट में और एक यहाँ पर आपको 470 माइक्रोफेरड 25 वोल्ट में लगा हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों यहाँ पर अगर आप इसकी, क्योंकि ये तो फिक्स है, इसका जो टाइम है ये तकरीबन 1 मिनट 1.5 मिनट ये फिक्स है, लेकिन अगर आप इसके अंदर तब्दीली करना चाहते हैं, इसके टाइम को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आप इसकी इस रेजिस्टेंस को यानी कि इस मज़ाहमत की वैल्यू को बढ़ा दें। ये 470 की जगह आप इसकी वैल्यू को अगर बढ़ा देंगे तो इसकी जो टाइमिंग होगी वो बढ़ जाएगी। अगर आप इसके कैपेसिटर की वैल्यू भी बढ़ा देंगे तो तब भी इसकी जो टाइमिंग होगी वो बढ़ जाएगी, यानी कि जहाँ पर ये 1 मिनट में स्टार्ट कर रहा है स्टेबलाइजर को, तो वहाँ पर ये 1.5 मिनट 2 मिनट या 2.5 मिनट जहाँ जितनी भी आप इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे कैपेसिटर की, इसकी टाइमिंग जो होगी वो बढ़ती जाएगी। यहाँ पर आप वेरिएबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसकी, क्योंकि टाइमिंग 1.5 से 2 मिनट होती है, तो यहाँ पर मैंने उसी हिसाब से जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पर लगा दिए हैं। अब हमने इसके कनेक्शन कैसे करने हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, नहायत आसान है। और दूसरा यहाँ पर हम स्टेबलाइजर के अंदर LED यानी कि दो इंडिकेटर जो होते हैं वो लगाते हैं, उनके कनेक्शन भी करते हैं। एक जो इंडिकेटर होता है लाइट होती है वो उस वक्त चलती है जब जैसे ही पावर सप्लाई स्टेबलाइजर के अंदर आती है, दूसरी जो LED होती है यानी कि इंडिकेटर उस वक्त ऑन होता है जब ये टाइमर जो होता है ये इसको ऑन कराता है। यानी कि इसके ये आपको देख सकें तो इसके ये दो पॉइंट आपको बने हुए हैं। ये रिले के बारे में तो मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है, आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं, इस वाली वीडियो को। तो यहाँ पर आप देखें कि इसके दो ये जो पॉइंट है, इसका सेंटर वाला ये पॉइंट जो है इस वक्त इस पॉइंट के साथ मिला हुआ है जिसे हम नॉर्मली क्लोज कहेंगे, और ये दूसरा जो पॉइंट है इस वक्त ओपन है इसके साथ, इसकी ये सेंटर वाला पॉइंट जो है ये इसके साथ टच नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये नॉर्मली ओपन है। LED के यानी कि वो जो हमने यहाँ पर इंडिकेटर लगाने हैं उनके यहाँ पर कनेक्शन कैसे करने हैं, यहाँ पर मैं एक डायग्राम आपको बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो साथियों यहाँ पर मैं इसके ऊपर डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर देखें, ये फर्स्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर तो ये LED लगे हुए हैं जो नियॉन लैंप बोलते हैं, एक यहाँ पर लगा होगा, एक यहाँ पर। स्टेबलाइजर के अंदर आपने देखा होगा मीटर भी लगे होते हैं, लेकिन जो नए सीखने वाले, अगर मैं यहाँ पर मीटर भी लगाऊंगा सबके कनेक्शन मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा तो पेचीदगी होगी, तो नए समझने वालों को मैं समझा नहीं पाऊँगा और जो नए सीखने वाले हैं वो समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ अभी जो इसके इंडिकेटर हैं जो LED लगे होते हैं, इसको निशानदेही कर रहे होते हैं कि इसके अंदर पावर सप्लाई आ चुकी है और अब टाइमर जो है ऑन हो चुका है, तो उसके कनेक्शन हमने यहाँ पर कैसे करने हैं ये देखें कि आप किसी भी एक एक जो पॉइंट है इसका उसको आप न्यूट्रल तार दे दें। यहाँ से चले मैं इसको दे देता हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ये न्यूट्रल तार दे देता हूँ, ये जाएगी न्यूट्रल की तरफ, ठीक है। अब इसके जो दो ये पॉइंट हैं, एक को हमने यहाँ पर नॉर्मली क्लोज के साथ मिला देंगे और दूसरा पॉइंट जो है वो इसका यहाँ पर हम नॉर्मली ओपन के साथ मिला देंगे। यानी कि ये जो दो तारे हैं इनमें से एक तार जो है ये नॉर्मली क्लोज और ये जो दूसरी तार है ये नॉर्मली ओपन, क्योंकि ये इस वक्त नॉर्मली ओपन है। जैसे ही ये टाइमर ऑन होगा तो ये जो तार होगी ये
इसके साथ मिली होगी, तो ये वाला एलईडी जो होगा जैसे ही टाइमर ऑन होगा, पहले ये नॉर्मली क्लोज, ये वाला लैम्प जो होगा ये रोशन होगा, लेकिन जैसे ही ये सप्लाई इसको मिलेगी, टाइमर ऑन होगा, तो इसकी ये वाला जो सेंटर वाला पॉइंट है ये नॉर्मली ओपन के साथ मिल जाएगा, उस वक्त ये नॉर्मली क्लोज होगा, तो लिहाजा ये वाला जो लैम्प होगा यानी कि ये वाली लाइट जो होगी ये रोशन हो जाएगी। एक तार हमने ये वाली तार इस जगह पर और इस तार को हमने इस जगह पर। साथियों हम स्टेबलाइजर के सर्किट की तरफ देखें तो ये आपको सर्किट दिखाई दे रहा है दो रिले का, मैं पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। तो इस पे हमने टाइमर लगाना है, बास सर्किट जो है उसके अंदर ही टाइमर जो है वो लगा होता है इसके साथ ही, यानी कि एक ही बोर्ड में ये टाइमर जो होता है वो इसके साथ लगा होता है, लेकिन यहाँ पर ये टाइमर जो है हमने इसको अलग इसके साथ लगाना है, क्योंकि इस जो सर्किट है इसके अंदर बोर्ड के अंदर ये टाइमर नहीं है। तो आप यहाँ से देखें कि ये वाली जो लीड आपको नज़र आ रही है, ये तार जो है ये सॉकेट की तरफ जाएगी, यानी कि 220 या जितने भी वोल्टेज कम हो बेश होंगे स्टेबलाइजर करेगा तो इस केबल के ज़रिए सॉकेट की तरफ ये जाएंगे। आप अगर इसको गौर से देखें तो यहाँ पर आपको स्टार्ट में ही पहले ही ये एक पॉइंट जो है आपको रिले का एक पॉइंट, ये बाकी जितने भी इसके पॉइंट हैं ये सारे के सारे जो हैं इनके ऊपर कोई ना कोई तार जो है वो लगी हुई है। यहाँ पर पहले पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 210 की जो तार है वो लगी हुई दिखाई दे रही है। रिले के अगले दो, यानी कि यहाँ पर क्योंकि दो रिले का इस्तेमाल किया गया है तो ये टोटल तौर पर आप देखें तो रिले के ये पॉइंट जो हैं यहाँ पर आपको चार पॉइंट जो हैं दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3 और ये 4, यानी कि रिले के ये 4 पॉइंट यहाँ पर आपको दो रिले के सर्किट में आपको दिखाई देंगे। नंबर 1 ये नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज और ये नॉर्मली ओपन। तो ऐसे में आप देखें तो आपको खुद दिखाई देगा कि ये वाला पॉइंट जो है इसके साथ 210 की तार पहले ही लगी हुई है, ये वाला पॉइंट जो है नॉर्मली ओपन ये जाके इसके अगले वाले रिले के सेंटर वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट है, और इस रिले के दोनों पॉइंट यानी नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन जो है इनके ऊपर भी तारें जो हैं ये लगी हुई हैं। एक के ऊपर 245 वाली लूप लगी हुई है और दूसरे के ऊपर 285 वाली लूप जो है वो कनेक्ट है। तो ऐसे में ये वाला पॉइंट जो है यानी कि पहले रिले के सेंटर वाला जो पॉइंट है ये खाली है, इसी में से हम ये जो केबल होती है जो हमारी साकुड़ की तरफ जा रही होती है, तो इसको ये वाली तार जो होगी ये साकुड़ की तरफ जाएगी और यानी कि इसी में से आउट जो है वोल्टेज जो होंगे वो निकल रहे होंगे। तो यहाँ से हमने इस तार को यहाँ से काट देना है, आप देखें बिल्कुल सादा से आसान से इसके कनेक्शन है। यहाँ से हमने इस तार को जब काट दिया, एक तार जो है ये साकुड़ की तरफ जा रही है, दूसरी तार जो है ये इस बोर्ड के साथ लगी हुई है। अब जब इसको हम काटेंगे तो इसके दो पॉइंट बन जाएंगे, इसकी दो तारें यहाँ से काटने पर दो तारें बन जाएंगी, तो वो दो जो तारें हैं यहाँ पर जो हमारे दो पॉइंट बने हुए हैं हमने इनके ऊपर उनको लगा देना है। यहाँ पर ये इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है एक इसके ऊपर लगाएंगे, दूसरी हम लगा देंगे नॉर्मली ओपन के ऊपर। जब टाइमर जितना इसका टाइम मुकर्रर है उस टाइम के बाद जैसे ही ये ऑन होगा तो लिहाजा ये नॉर्मली क्लोज से डिस्कनेक्ट होगा, यहाँ से इसके पॉइंट जो हैं ये टूट जाएंगे और यहाँ से ये सेंटर वाला जो पॉइंट होगा ये नॉर्मली जो ओपन होगा इसके साथ जाके मिल जाएगा। और यही जो तार है, एक हमने तार यहाँ पर लगानी है, दूसरी तार हमने यहाँ पर लगानी है, लिहाजा यहाँ से ये सेंटर वाला पॉइंट जब नॉर्मली क्लोज, यानी कि इस वक्त ये नॉर्मली क्लोज बन चुका होगा जब ये टाइमर ऑन होगा, तो लिहाजा सप्लाई जो होगी यहाँ से बराह रास्त सॉकेट की तरफ जाएगी, और जैसे ही हम दोबारा स्टेबलाइजर को बंद करेंगे या बिजली जाएगी तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये नॉर्मली इस ओपन से, यानी कि नॉर्मली इस वक्त ये क्लोज है, यहाँ से डिस्कनेक्ट होकर दोबारा वापस अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाएगा। स्टेबलाइजर के ऊपर एक डायग्राम इनकी रिलेस की जो है वो मैं पहले उसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। अब अगर हम बात कर लें इसके, इसको हमने 12 वोल्ट या 14 वोल्ट सप्लाई जो है वो कहाँ से देनी है, यहाँ पर देखें इसके साथ एक रेक्टिफायर जो है ये लगा हुआ है और इसके साथ एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है, आप चाहें तो इसको 14 वोल्ट एसी सप्लाई भी दे सकते हैं और 14 वोल्ट डीसी सप्लाई भी दे सकते हैं। अगर आपने, क्योंकि अमूमी तौर पर जो सप्लाई दी जाती है वो कार्ड जो लगा होता है यहाँ पर, यहाँ से ही हम इसको सप्लाई देते हैं। यहाँ पर देखें ये इसका एसी वाला पॉइंट है, यहाँ से अगर आप देना चाहें तो यहाँ से इसको एक ये वाली जो तार है इसकी
ये वाली तार जो इसकी माइनस वाली है वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। और जो इसकी पॉजिटिव वाली तार है वो यहाँ पर देखें, आपको ये रेक्टिफायर लगा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसके ये पॉइंट यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर आप लगाना चाहें तो तब भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये एसी 14 वोल्ट बनेंगे। लेकिन अगर आप इसको डीसी देना चाहते हैं क्योंकि ये रेक्टिफायर लगा है, तो लिहाजा यहाँ से ये 14 वोल्ट डीसी में मुंतकिल होके यानी तब्दील होके यहाँ पर आ रहे होंगे। यहाँ पर भी आप इसको अगर इस तार को लगा देंगे पॉजिटिव को जो ये रेक्टिफायर वाली है, तो तब भी ये टाइमर काम करेगा। अगर आप बराह रास्त यहाँ एसी वाले पॉइंट पर लगा देंगे तो तब भी ये टाइमर जो होगा ये काम करेगा। लेकिन एक बात का जहन में रखिए कि अगर जिस टाइमर में पास बिल्कुल छोटे टाइमर आते हैं तो उनके अंदर ये रेक्टिफायर नहीं लगा होता, और ना ये वाला 470 माइक्रोफेरेड का जो कैपेसिटर होता है ये नहीं लगा होता। सिर्फ ये दो ट्रांजिस्टर, दो रेजिस्टेंस और एक ये कैपेसिटर 100 माइक्रोफेरेड का लगा होता है। तो फिर आपने इसको जहाँ से डीसी 14 वोल्ट आपको मिलेंगे निकल रहे होंगे उसी जगह पर आपने इसके कनेक्शन जो हैं ये करने हैं, इनकी तारों को जो इसके अंदर सप्लाई आपने देनी है 14 वोल्ट वो डीसी ही देनी है। अगर आपके यहाँ पर रेक्टिफायर लगा हुआ है तो फिर आपको किसी भी जगह से आप जहाँ पर यहाँ पर आपको एसी जो वोल्टेज हैं वो मिल रहे हैं 14 वोल्ट, तो यहाँ से भी आप सप्लाई जो है ये दे सकते हैं, क्योंकि ये कम कीमत कंपोनेंट्स और बहुत ही जिसे कहना चाहे सस्ते में ये तैयार हो जाता है। ये अगर आप देखें तो ये सारी की इसकी मालियत जो है, तो मेरा ख्याल है 40 रुपये में ये आपका जो टाइमर है ये तैयार हो जाएगा। इसके अंदर जो फॉल्ट होता है वो भी कभी कोई इतना बड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं आता। इसके अमूमी तौर पर ट्रांजिस्टर ही ख़राब होते हैं, अगर ये ऑन नहीं हो रहा तो इसके टाइमर के ट्रांजिस्टर जो है ये टाइमर के ये ख़राब हो चुके होंगे। आप इन दोनों को अगर चेंज कर दें, ये मेरा ख्याल है कि आपको 6 रुपये में 7 रुपये में आपको बाज़ार से मिल जाएंगे। ये ऑन होगा तो आपको रिले के अंदर से आवाज़ सुनाई देगी, तो ऐसे में फिर भी अगर टाइमर जो है आगे सप्लाई आउटपुट नहीं निकाल रहा तो इसका मतलब ये है कि रिले के जो अंदर से पॉइंट हैं वो आपस में नहीं मिल पा रहे। रिले चाहे ऑन हो रही है लेकिन इसके पॉइंट जो है आपस में वो नहीं मिल रहे, यानी या तो वो ख़त्म हो चुके होंगे इनके पॉइंट, तो ऐसे में आपको इस रिले को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर साथियों अब हम टाइमर को चला के देखते हैं, ऑन करके देखते हैं, और यहाँ पर मैं आपको मज़ीद समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए इसकी जो ये लीड्स हैं जिसने इसको 14 वोल्ट सप्लाई मुहैया करनी है, इसको मैं ये कंप्यूटर की जो पावर सप्लाई है उसके साथ मैं इसको मुंसलिक करने लगा हूँ। यहाँ पर ये देखें, इसमें आपने नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। तो यहाँ पर ये देखें, मैं कंप्यूटर के लीड के साथ यहाँ पर मैंने निशान लगाया हुआ है, ये पॉजिटिव है जिस तरफ सुराख है, और ये जो खाली जगह है ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये मैं इसकी दोनों तारें जो हैं ये इस फीमेल के अंदर लगा देता हूँ, और अब इसके ऑन होने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस वक्त इसकी सूरत हाल टाइमर की क्या है। तो ये देखें, मेरे पास सीरीज लीड है, ठीक है। तो ये इसके सेंटर वाला जो पॉइंट है ये इस वक्त इस पॉइंट के साथ मिल रहा है, ये सेंटर वाला पॉइंट जो है ये इस पॉइंट के साथ मिल रहा है, यानी कि ये सेंटर वाला पॉइंट जो है ये नॉर्मली क्लोज इस वक्त रिले का ये है, ठीक है। जैसे ही ये कुछ लम्हों के बाद यानी कि 1.5 मिनट बाद 2 मिनट के बाद ऑन होगा तो इस पॉइंट से इसका रابطہ टूट जाएगा। अब ये यहाँ पर देखें, ये ओपन है, यहाँ पर ये ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये टाइमर ऑन होगा तो ये जाके इसके साथ नॉर्मली ओपन के साथ मिल जाएगा, जो उस वक्त नॉर्मली क्लोज होगा। तो लिहाजा इसके हम ऑन होने का इंतज़ार करते हैं जी। तो साथियों यहाँ पर अब टाइमर की आवाज़ आ चुकी है, इसका मतलब कि टाइमर जो है ये ऑन हो चुका है। अब हम दोबारा इसको नॉर्मली यहाँ पर लगा के देखते हैं तो यहाँ पर ये ऑन नहीं हो रहा, यानी कि ये नॉर्मली जो क्लोज था ये अब नॉर्मली ओपन बन चुका है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये आप देखें, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है रिले का, अब ये नॉर्मली जो ओपन था नॉर्मली क्लोज हो चुका है, और यहाँ पर हमारा जो सीरीज लैंप है वो रोशन हो रहा है, यानी कि ये जो रिले का सेंटर वाला पॉइंट है इसके साथ मिल रहा है। ये देखिए, अब ये वाला जहाँ पहले था वहाँ से ये रास्ता इसका ख़त्म हो चुका है। जैसे ही मैं इसकी तार को यहाँ से निकाल देता हूँ तो ये वापस, आपने आवाज़ भी इसकी सुनी होगी, ये दोबारा जो है टाइमर अपनी पहली वाली पोजिशन पर रिले को लेकर आया होगा। और यहाँ पर देखें, ये पहले वाला जो पॉइंट है ये अब नॉर्मली क्लोज है, और ये दूसरा जो है यहाँ पर सप्लाई जाना बंद हो चुकी है। अब थोड़ी देर के बाद जब ये टाइमर दोबारा ऑन होगा
तो ये सप्लाई जो होगी ये दोबारा इस तरफ को जाना शुरू हो जाएगी। जी तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।